इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय कई तरह के ऑप्शन दिमाग में आते हैं। एंडाउमेंट पॉलिसी ले या होल लाइफ प्लान, मनी बैक पॉलिसी ले या फिर यूलिप प्लान, और अक्सर रिटर्न के चक्कर में आकर आप ये पॉलिसीज लेकर फंस जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में सबसे जरूरी चीज है सुरक्षा, जो आपको सबसे कम खर्च में देता है टर्म इंश्योरेंस। तो आखिर टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए, क्या है इसके फायदे, कहां से लें सबसे सस्ता टर्म प्लान? योर मनी में आज रहेगा हमारा फोकस सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पर। और आज हमारे मेहमान हैं अपना पैसा .com के सीईओ हर्ष रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। तो अक्सर जब भी आप योर मनी पर आए हैं और हमने इंश्योरेंस पर चर्चा की है, तो एक शिकायत हमारी हमेशा से रहती है हमारे दर्शकों से कि इंश्योरेंस में आप इन्वेस्टमेंट समझ के उसे खरीद लेते हैं, जबकि इंश्योरेंस जो होता है क्लियरली एक प्रोटेक्शन के तौर पर आपको लेना चाहिए, सिक्योरिटी के तौर पर लेना चाहिए, अपने लिए नहीं बल्कि अपने अपनों के लिए आपको लेना चाहिए। जहां पर आता है काम टर्म इंश्योरेंस, जो कि एक बेहतरीन लाइफ इंश्योरेंस है, क्यों लेना चाहिए ये आपसे मैं समझना चाहूंगी। लाइफ को तो हम सिक्योर करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं जो कवर हो जाती हैं अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस लें। तो टर्म इंश्योरेंस क्यों लें? आई थिंक क्लियरली जब आदमी कमाता है वो फ्यूचर के प्लान्स बनाता है, उसके दूसरे लोग वो जो कमाई करता है उस पर निर्वाह करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के रिटायरमेंट के लिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए, परिवार का भी चलते रहे। अब सवाल ये उठता है कि अगर जो पैसे कमा रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है तो परिवार का क्या होगा, जो बच्चों के लिए आपने सपने सजोए हैं उनका क्या होगा? तो ये इसको सिक्योर करना, उसके लिए टर्म लाइफ बहुत जरूरी है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो मेरी डेथ होने से मेरे परिवार का रहन सहन की शैली या मेरे परिवार के लिए जो मैंने सपने सजोए हैं वो बिखरे ना, इसका जिम्मा मुझ पर ही है। तो आई थिंक इसके लिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी होता है, लाइफ इंश्योरेंस जरूरी होता है। और उसमें टर्म इंश्योरेंस इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट मिक्स करते हैं तो प्रीमियम ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से लोग अपना कवरेज कम कर देते हैं। तो ये तो इसी तरीके की, मतलब अगर क्रिकेट का उदाहरण दें तो चूंकि आप पैड्स का और बैट का साथ का कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे हैं, तो चूंकि उसके महंगा बहुत दाम है तो आप आधा पैड ले लिया या एक पैड ले लिया आपने, तो दूसरा पांव आपका असुरक्षित है। तो ये नहीं करना चाहिए, मिक्स नहीं करें, सबसे पहले सुरक्षा करें फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो आई थिंक दैट रियली वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, तो यहाँ पे फोकस आपका लाइफ को सिक्योर करने का होना चाहिए, न कि इन्वेस्टमेंट करके किसी रिटर्न के लालच में आके आप टर्म इंश्योरेंस ले लें। चलिए टर्म इंश्योरेंस पे आगे भी हम करते रहेंगे चर्चा, और आज के शो की खास बात यह है कि हम सवाल भी दर्शकों के टर्म इंश्योरेंस पर ही ले रहे हैं। और इस वक्त गुड़गांव से दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपक, गुड इवनिंग, बताएं आपने अपने लिए टर्म प्लान लिया हुआ है या नहीं, या इंश्योरेंस को लेकर आप कन्फ्यूज हैं शायद, बताएं आपकी कन्फ्यूजन क्या है। नमस्ते मैम, मैं एक टर्म प्लान लेना चाहता हूँ। हाँ? पिछले दो महीने से मैं योर मनी देख रहा हूँ। एक्चुअली मेरी जो ईयरली इनकम है वो करीबन 70-80 हजार रुपए की है। ओके। तो मैंने बहुत सारे टर्म प्लान देखे, बट इस कैटेगरी में कोई मुझे टर्म प्लान नहीं मिल रहा है। और जो मुझे एक या दो टर्म प्लान मिले उसकी जो प्रीमियम है काफी हाई हो रहा है। ओके ओके, ठीक। तो अभी मुझे टर्म प्लान लेना चाहिए या किसी मनी बैक या किसी अदर पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? मुझे बताइए आपका मकसद क्या है, आपका मकसद इन्वेस्टमेंट है या प्रोटेक्शन है? नहीं मैम, ये तो सिर्फ फैमिली प्रोटेक्शन है। सिर्फ प्रोटेक्शन है, बहुत अच्छी बात है। आपकी उम्र क्या है दीपक? 29। आप 29 साल के हैं, क्या आप मैरिड हैं? जी जी। ओके, तो यानी फाइनेंशियली डिपेंडेंट आपके ऊपर लोग घर में हैं? ठीक है, चलिए आपको सजेस्ट करते हैं आपको किस तरह का टर्म प्लान लेना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर दीपक ने सवाल पूछा है, बहुत अच्छी बात है दीपक सबसे पहले ये टर्म प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं। 29 साल की उम्र है और मेरे ख्याल से ये अपने लिए कोई रीजनेबल किफायती टर्म प्लान ढूंढ रहे हैं, कुछ रिसर्च भी इन्होंने की हुई है।
दीपक को मेरे ख्याल से एक बात हमें ये क्लियर करनी होगी कि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बेहतरीन फॉर्म है टर्म प्लान, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कोई मनी बैक या कोई एंडोमेंट प्लान नहीं लेना चाहिए अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने सवाल में एंड में भी कहा कि मैं कोई और इंश्योरेंस लूं जिसमें इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो दीपक जी, सवाल का जवाब देने से पहले आपने अपनी सालाना आय कितनी बताई? 70 से 80 हजार। 70 से यानी मंथली करीबन 6-6.5 हजार, 7 से 8 हजार, 7 से 8 हजार मंथली। ओके, सो आई थिंक मैं दीपक जी की प्रॉब्लम समझ गया। बिल्कुल, इनफैक्ट इनको आपको दीपक जी सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस की नीड है। क्लियरली आपका परिवार, आप कह रहे हैं कि इस इनकम पर निर्भर है, बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो आप जैसे लोग हैं जिनको इसकी इतनी जरूरत है, चूंकि इनकम एक लेवल के बिलो है, तो इसके लिए जो आपका कैलकुलेशन बनता है, आज 80 हजार रूपये के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 8 से 10 लाख रुपए का आपको पॉलिसी मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑनलाइन प्लान अगर हम लें तो मेरे ख्याल से मिनिमम ऑनलाइन प्लान शायद 25 लाख का है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट शायद मिनिमम 25 लाख का है, लेकिन ऑफलाइन आपको मिल जाएगा, तो आपको ऑफलाइन प्लान ले लेना चाहिए। LIC का भी ऑफलाइन प्लान है, महंगा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्वेस्टमेंट बाद में आएगा, मनी बैक में आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप ऑफलाइन टर्म प्लान ले लीजिए, आप LIC में भी देख सकते हैं। बिल्कुल, और चूंकि आपने कहा कि LIC का थोड़ा सा इनको महंगा पड़ सकता है, दीपक से हम किस प्रीमियम का वो मेरे ख्याल से अफोर्ड कर पाएंगे वो एक बार पूछ लेते हैं। दीपक मुझे बताइए, प्रीमियम को लेकर आप किस अमाउंट से कंफर्टेबल हैं? मैम एक्चुअली जो टर्म प्लान देख रहा हूँ उसमें जो आप अगर 10 से 15 लाख रूपये के लिए टर्म प्लान देख रहे हैं तो करीबन आपका 4000 रूपये का प्रीमियम पड़ रहा है, और ये काफी ज्यादा प्रीमियम हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जैसा कि आपने भी सजेस्ट किया कि इनको 8 से 10 लाख तक के टर्म प्लान के लिए जाना चाहिए, कितना प्रीमियम का बोझ पड़ेगा? अनफॉर्चुनेटली ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मतलब सही कह रहे होंगे कि छोटे लेवल पे बहुत हाई प्रीमियम है, बिकॉज ऑनलाइन नहीं मिलता। Exactly. सिर्फ ऑफलाइन मिलता है। आज अगर ये ऑनलाइन जाए तो 4000 इनको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इनकी इनकम नहीं है, राइट? नहीं तो 4000 रुपए में इनकी इनकम पर, इनकी एज पर, ये 29 साल के हैं दीपक जी, आप 4000 रुपए में आपको मतलब 30 साल का मेरे ख्याल से 25 से 30 लाख रुपए तक भी मिल सकता है, लेकिन आपकी इनकम की अंडर राइटिंग नहीं होगी। तो अभी इनके पास विकल्प ये है कि ये ऑफलाइन ले लें, और आपके मुताबिक भी 4000 तक का तो प्रीमियम का बोझ पड़ेगा ही। कैलकुलेशन नहीं किया है क्योंकि इन्होंने बताया नहीं था, बट मेरे ख्याल से उतना पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट एक ये सिचुएशन ऐसी है कि लोअर रेंज में बहुत महंगा, जो आदमी एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए बहुत महंगी है। तो ऐसा सिमिलर सा एक एक्सपीरियंस हमें भी हुआ था जब मैंने अपने ड्राइवर के लिए इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेने की कोशिश करी थी, ही हैड टू पे सिमिलर प्रीमियम, और थोड़े से ही इज अ लिटिल ओल्डर, तो ये आई एग्री कि अनफॉर्चुनेट है। समय कम है लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर दीपक के पास यही विकल्प है? यही विकल्प है, क्योंकि मनी बैक में अगर आप 4000 डालेंगे उसमें आपको कवर सिर्फ 40000 रुपए का आसपास मिलेगा, उससे सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल दीपक जी, यहाँ पर आपको ऑफलाइन टर्म प्लान लेना है, यानी ऑनलाइन ना जाकर आप किसी ऑनलाइन पोर्टल से ना खरीदे, बल्कि आप कंपनी के ब्रांच ऑफिस में जाके अपने लिए एक टर्म प्लान ले लीजिए, और जैसे कि यहाँ पर हर्ष ने भी बताया मिनिमम प्रीमियम का बोझ 4000 रुपए आपको पड़ेगा ही। तो आप चाहें तो अपना टर्म कवर आगे चल के बढ़ा सकते हैं, अगर आपकी आय में जैसे ही बढ़त होती है वैसे अपना टर्म कवर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जैसे कि आपने निर्णय कर ही लिया है कि आपको टर्म प्लान लेना है, बहुत अच्छा डिसीजन है, और जल्द से जल्द एक टर्म प्लान अपने लिए ले लीजिए। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे कम उम्र में टर्म प्लान लेने के क्या है फायदे, ऑनलाइन टर्म प्लान में क्या है सस्ता ऑप्शन, ये सब जानिए इस ब्रेक के बाद।
योर मनी टर्म इंश्योरेंस स्पेशल शो में आपका फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं टर्म प्लान से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी और साथ ही ले रहे हैं इससे जुड़े सवाल जवाब भी। मेरे साथ बने हुए हैं हर्ष रुमटा। आगे बढ़ते हैं, गुड़गांव से श्रीकांत है फोन लाइन पे। गुड इवनिंग श्रीकांत, सवाल क्या है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम बेसिकली मैंने अपना प्रोफाइल भेजी दिया है, सो मेरा मेन कंसर्न है, जो आप प्रोफाइल को अगर चेक करेंगे, एक तो एलोकेशन कैसी है डेट और इक्विटी की। इक्विटी मेरे को स्टार्ट करना है, स्टॉक मार्केट में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। श्रीकांत आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम टर्म इंश्योरेंस स्पेशल शो कर रहे हैं आज, और टर्म इंश्योरेंस से जुड़े आपका सवाल क्या है वो मैं जानना चाहूंगी। जी मैम, सो बेसिकली मैम मैंने टर्म इंश्योरेंस लेना है, सो मेन क्वेश्चन फर्स्ट तो ये है कि मैं उसको वेट करूं, क्योंकि अभी मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट एसेट है नहीं। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? मैम अभी 26। ठीक है, ओके। सो मैरिज के लिए अभी 2-3 साल है, सो द मेन क्वेश्चन वुड बी कि शुड आई वेट टिल आई गेट मैरिड और शुड आई बाय इट राइट नाउ सो दैट आई कैन गेट इट चीपर। ठीक है, चलिए आपने बहुत अच्छा टर्म प्लान के बारे में सोचा, और बताते हैं आपको कि आपको टर्म प्लान लेना चाहिए या नहीं। तो जैसे कि हमारी पहले भी चर्चा हो रही थी यहाँ पर हर्ष, की टर्म प्लान आपको अपने अपनों के लिए लेना चाहिए ताकि आपके बाद उन्हें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो जाए किसी भी तरह की। श्रीकांत के केस में ये अनमैरिड है, काफी यंग है, 26 साल के हैं और अभी शादी में कुछ साल बचे हैं। आपको लगता है कि अभी चूंकि कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है इनके ऊपर, टर्म प्लान लेने का ये सही समय कि थोड़ा इंतजार कर लें? सो क्लासिकल थियोरी के हिसाब से श्रीकांत, अगर आप पर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी एक सेक्शन होता है जो कहते हैं कि आप यंग हैं अभी ले लीजिए, प्रीमियम लो होगा। मैं उसमें नहीं हूं, मेरे हिसाब से आप वेट करिए, बिकॉज लाइफ क्या टर्न लेता है उस समय, तो आप तब तक वेट करिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, और कोई आप पर डिपेंडेंट हो ना हो, आप खुद अपने आप पर डिपेंडेंट हैं। कल आपके साथ कोई हादसा होता है जिसमें आप जीवित रहते हैं लेकिन काम करने लायक नहीं रहते, अगर कोई एक्सीडेंट में आपकी आंखें चली गई, हाथ चले गए, पैर चले गए, या कोई बीमारी की वजह से ऑर्गन फेलियर हो गया, स्ट्रोक हो गया, उससे आप काम नहीं कर पाएंगे। आप खुद पर डिपेंडेंट हैं और आप नहीं चाहेंगे कि ये ऐसे हादसे होने के बाद अगर आप जीवित रहते हैं तो आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएं, अपनी फैमिली पर। इसके लिए आपको देखना आज ये है कि आप एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी लीजिए, सीरियस इलनेस डिसेबिलिटी जिसे लोग क्रिटिकल इलनेस कहते हैं लीजिए, ये भी उतनी ही जरूरी है, आप जैसे के लिए ये बहुत जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस से भी पहले। तो ये पहले ले लीजिए, हॉस्पिटलाइजेशन का हेल्थ इंश्योरेंस। तो बेसिकली आपको अपना जो मेडिकल इंश्योरेंस है उस पर फिलहाल फोकस करना चाहिए श्रीकांत, और जैसे कि आपने खुद कहा कि कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, तो इसीलिए टर्म प्लान आप थोड़ा सा रुक कर ले सकते हैं। और आपका इन्वेस्टमेंट से जुड़ा जो भी सवाल है आप हमें योर मनी पर भेजिए, और हमारे इन्वेस्टमेंट से जुड़े शो में हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल हम टर्म इंश्योरेंस पर अपनी चर्चा यहां पर जारी रखते हैं हर्ष, और जानना चाहूंगी आपसे, अब कम उम्र के श्रीकांत है यहां पर, फाइनेंशियली कोई डिपेंडेंट नहीं है तो हमने इन्हें कह दिया कि आप रुक जाइए, लेकिन अगर कम उम्र में किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी अगर परिवार वाले हो तो टर्म इंश्योरेंस लेना समझदारी की बात तो होगी ही जरूर, लेकिन प्रीमियम कितना ज्यादा होगा? कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस लेने के फायदे क्या हैं असल में? कम उम्र में लेंगे ऑब्वियसली तो आपका प्रीमियम कम होगा, जितने यंग है प्रीमियम कम होता है और वो फिक्स्ड रहता है आगे तक के लिए। तो अगर आप 25 साल में 30 साल का अगर पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम कम होता है, अगर वही 30 साल की पॉलिसी आप 30 इयर्स की उम्र में लेंगे तो प्रीमियम ज्यादा होगा। तो अगर आप पर कोई डिपेंडेंट है, आपने अभी काम शुरू किया है, आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके कोई भाई बहन आप पर डिपेंडेंट है, तो वेरी क्लियरली आपको ले लेनी चाहिए, और ऑब्वियसली जितनी जल्दी लेंगे उतनी सस्ती तो मिलती ही है। बिल्कुल, और यहाँ पर टर्म सस्ते टर्म इंश्योरेंस के ऑप्शंस आप बता पाएंगे? तो आई थिंक श्रीकांत जी के लिए ये ऑप्शंस हैं 35 साल की, क्योंकि बहुत यंग है आप, 50 लाख की अगर हम लें 10 गुना आपकी जो इनकम है उससे, तो रिलायंस का है 3600 के आसपास यानी रफली 300 रूपये प्रतिमाह, भारतीय एक्सा का है 4100 के आसपास रफली 350 रूपये प्रतिमाह, और LIC का ई टर्म प्लान इज 6900 यानी करीबन 600 रूपये प्रति माह के आसपास ये आपके
खर्चे होंगे अगर 50 लाख 35 साल के लिए लेते हैं तो। चलिए, तो यहाँ पर आपको फायदे बता दिए गए हैं कम उम्र में टर्म प्लान लेने के। यहाँ पे प्रीमियम का बोझ काफी हद तक कम होगा, जितना जल्दी हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे टर्म प्लान लेने से पहले किन बातों का रखे ध्यान, क्या है इससे जुड़ी शर्तें, ये सब और बहुत कुछ योर मनी में इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, योर मनी में आज हम कर रहे हैं चर्चा टर्म इंश्योरेंस की और हमारे साथ बने हुए हैं हर्ष रुंगटा। अगला सवाल लेते हैं हर्ष। यहां विजया जी ने अपना सवाल हमें भेजा हुआ है। 49 ईयर्स की हैं और इनके पास कोई टर्म प्लान नहीं है अपना, और एगॉन रेलिगेयर आई टर्म प्लान कैसा है जानना चाहती हैं हमसे। एक गवर्नमेंट कर्मचारी हैं ये, 49 ईयर्स की है और टर्म प्लान लेने का मन बनाया, हालांकि इन्होंने अपनी आई की डिटेल्स हमें यहां नहीं दी है लेकिन रिसर्च किया है इन्होंने, तो एक बार रेलिगेयर आई टर्म प्लान इनके लिए कैसा है। मेरे ख्याल से दो चीजें हैं। टर्म प्लान को ये एक ऐसी चीज नहीं है कि ये होनी चाहिए, एग्जैक्टली जरूरत हो तो लीजिए। तो इनकी आय पर अगर कोई निर्भर है, इनके हस्बैंड अगर इनकी आय पर निर्भर है, जैसे कि हमने चर्चा भी की थी, तो ही ले, नहीं तो जरूरी। अच्छा, दोनों नहीं ले सकते हैं? अगर पति पत्नी दोनों ही कमाते हो तो दोनों के पास टर्म कवर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और लेना भी चाहिए, क्योंकि दोनों की इनकम से नीड्स क्या फुलफिल हो रही हैं, किसकी इनकम से कितनी नीड फुलफिल हो रही है वो देखने की बात होती है। जब दोनों कमाते हैं तो ओवरऑल इंश्योरेंस नीड कम हो जाती है, बिल्कुल, बिकॉज रिस्क कम हो जाती है, एक साथ दोनों को कुछ होने के चांसेस बहुत कम है। एगॉन रेलिगेयर आई टर्म प्लान कैसा है इनके लिए? सो अच्छा प्लान है, कोई भी टर्म प्लान हो, कोई भी कंपनी का हो, अच्छा प्लान है, बशर्ते कि अगर हम ये सुनते हैं क्लेम रेशो के बारे में सुनते हैं। हाँ, उसी पर मैं आना भी चाहती थी। इनफैक्ट जैसे कि इन्होंने रिसर्च की है तो पता नहीं किन बेसिस पे इन्होंने रिसर्च की है, लेकिन अक्सर क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखकर ही लोग किसी कंपनी का टर्म प्लान डिसाइड करते हैं लेना। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो को कंसिडर करना कितना जरूरी है? तो दो चीजें हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी कि अगर 100 क्लेम हुए उसमें से कंपनी ने कितने क्लेमों का भुगतान किया, डेथ क्लेम्स का, तो उसमें किसी कंपनी का अच्छा है किसी का नहीं है, तो उससे क्या सीख लेनी चाहिए कि हाँ अगर कोई कंपनी का बहुत लो है तो वो एक परेशानी की चीज है, वो उसको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मेन इश्यू क्लेम सेटलमेंट में क्या होता है कि कंप्लीट डिस्क्लोजर नॉर्मली पॉलिसी होल्डर का नहीं होता। बिल्कुल, या तो वो अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताता, दूसरी पॉलिसीज के बारे में नहीं बताता, या अपनी फैमिली हिस्ट्री नहीं बताता, हेल्थ हिस्ट्री, उस वजह से क्लेम होने में दिक्कत होती है। आप कहीं भी जाए, कोई भी जिस कंपनी का क्लेम रेशियो बहुत अच्छा है, अगर आपकी बड़ी पॉलिसी है और पहले 2 साल में डेथ क्लेम खुदा ना खास्ता अगर होता है जी, तो वो इन्वेस्टिगेट होगा, चाहे उस कंपनी का क्लेम रेशियो 99% हो सेटलमेंट या उसका 80% हो, और अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है तो प्रॉब्लम आएगी आपके परिवार को। तो कोई भी जगह टर्म पॉलिसी अगर लेनी है तो कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसीज की, अपने हेल्थ हिस्ट्री की, अगर स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग की, एल्कोहल की, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, सब कुछ। और इन डिस्क्लोजर का काफी हद तक आपके प्रीमियम पर भी निर्भर करता है, असर होता है बहुत। मतलब मैं झूठ बोलकर एक कागज ले रहा हूँ, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, बिल्कुल, वो कागज मेरे काम आएगा अगर मेरे परिवार के काम आएगा अगर मेरी डेथ होती है तो, मैंने झूठ बोल के लिया है तो मेरे परिवार के काम ही नहीं आएगा। इससे अच्छा मैं सच बोलूं, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा दूं, कम से कम मेरे परिवार के काम तो आएगा, जिस चीज के लिए मैंने लिया है उस काम तो आए। तो ये है, अगर कंप्लीट डिस्क्लोजर करेंगे तो आप कहीं से भी लीजिए। फिर भी कई लोगों को कहते हैं कि मुझे इस कंपनी में ज्यादा विश्वास है, एग्जैक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने लिया क्यों है ये पॉलिसी, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए लिया है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है कोई कंपनी से, दूसरी कंपनी से मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा भी हो ले लीजिए, पीस ऑफ माइंड खरीदिए, क्योंकि पीस ऑफ माइंड के लिए ही ये पॉलिसी ले रहे हैं। पॉलिसी जरूर लीजिए, मतलब आई थिंक अगर टर्म पॉलिसी की जरूरत है तो उसे लीजिए जरूर। कौन सी कंपनी से लेते हैं वो आपकी मर्जी है, कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए।
बिल्कुल, डिस्क्लोजर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है क्योंकि उससे आपका प्रीमियम पर असर पड़ता है, लेकिन प्रीमियम को ना कंसिडर करके आप ये सोचिए कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन खरीद रहे हैं, सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, ना कि रिटर्न के चक्कर में या लालच के चक्कर में कोई टर्म इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस का मकसद होता है आपके अपनों की लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हर्ष, और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।